अपने पेड़ में झाड़ होने ना दे, और ना बीमों का झाड़ ना छूटों का झाड़। जितनी प्रॉपर धूप पड़े उतना आपका क्वालिटी का फ्रूट आएगा। ऐसा नहीं कि भाई प्रोनिंग से ही सेब लगते हैं, सेब लग जाते हैं पर क्वालिटी का फ्रूट बन नहीं पाता है। हमें चाहिए साइज तभी बन पाएगा यदि आप प्रोनिंग। अपने पेड़ में झाड़ होने ना दे, और ना बीमों का झाड़ ना छूटों का झाड़। क्योंकि हमें बीमा हेल्दी बनाना है। अभी छोटे प्लांट है, अभी ये 15 साल के प्लांट है। क्योंकि हमें फसल वाले पेड़ में कट गोल ही मारे। नब्बे डिग्री का कोई भी सूट ना रखे, नहीं तो लकड़ी बनेगा उसमें। 90 डिग्री के सूट में कभी भी फसल नहीं आएगी। प्रूनिंग की ऐसी चीज है कि भाई हर साल हमें बदलाव देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई प्रूनिंग में कोई गुरु बन, में हर साल नई तकनीक अपनानी पड़ेगी हमें। क्योंकि हमें बीमा हेल्दी बनाना है। अभी छोटे प्लांट है, अभी ये 15 साल के प्लांट है। जैसे कि हम देख पा रहे बाग बन रही है, इसमें बिल्कुल स्पर आ चुका है। क्योंकि हमें अभी इसमें स्पर की जरूरत नहीं, हमें ग्रोथ आनी चाहिए। ग्रोथ के लिए हमें हैवी कट मारना पड़ेगा। इसमें बड़ी प्यारी है, चारों दिशा के लिए बराबर है, क्योंकि हमें इसमें हैवी कट मारने पड़ेगा ताकि अभी ग्रोथ में आए। क्योंकि ऐसी सोच हमारे को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम तो सीधे तब आप फसल ले सकते, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फीडिंग ड्रिप द्वारा दी जाती है। जैसे कि हम देख पा रहे बाग बन रही है, इसमें बिल्कुल स्पर आ चुका है। क्योंकि हमें अभी